पैदल सेना यानी आर्म फोर्सेस की बैकबोन। देश के वो मजबूत पहरेदार जो सरहद की हिफाजत भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने रणकौशल से दुश्मन को करारा जवाब देने में भी देर नहीं लगाते। हालात चाहे जैसे भी हों, चुनौतियां कितनी ही विकराल क्यों न हो, भारतीय सेना का पैदल दस्ता न तो रुकता है और न ही थकता है। देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बियाबान जंगल से लेकर रेगिस्तान तक और बर्फीली वादियों से लेकर देश की सरहद तक ये वतन की हिफाजत में डटे रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुए हैं, पैदल सेना ने अपने अदम्य साहस से युद्ध का पूरा रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई है। पैदल सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उसके दांत खट्टे किए और रणक्षेत्र में जीत सुनिश्चित की। भारतीय सेना अपनी पैदल सेना पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जैसा कि दुनिया भर की दूसरी सेनाएं करती हैं। 27 अक्टूबर को भारत में इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के फौरन बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय पैदल सेना के पहले मिलिट्री ऑपरेशन को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से भारतीय इलाके की रक्षा की थी। अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, देशवासी आजादी के जश्न में झूम रहे थे। आम जनता का उसने पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न। वहीं सरहद पार बैठे कुछ लोग अमन की फिजा में बारूद घोलने की फिराक में जुटे थे। देश आजाद हो चुका था, लेकिन 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। कोशिशें भले ही की जा रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद मुल्क बने। हालांकि उन्हें भारत में लाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और वो धीरे धीरे कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी फिराक में था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5,000 कबाइलियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए मैदान में उतार दिया। भारत में घुसपैठ इतनी तेजी से हुई कि सेना को खबर मिलने से पहले ही बारामुला पाकिस्तान के कब्जे में था। अब उनका अगला टारगेट श्रीनगर था। देखिए, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने थे, जेएनके को एक ऑप्शन दिया था कि वो हिंदुस्तान से मिले या पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रहने के सोची। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा और उसने जेएनके के ऊपर हमला बोल दिया। कहते हैं कबीलाई लोगों ने हमला किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान के रेगुलर फोर्सेस भी थे और उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि उनका इतना फास्ट मूवमेंट था कि वो बारामूला तक आ गए और बारामूला में जिस तरीके से आग जनी हुई, इतिहास उसका गवाह है। उनका देखिए मकसद बारामूला से निकल के पट्टन होते हुए आगे श्रीनगर पहुंचना था। श्रीनगर में उनके दो एरिया थे, एक श्रीनगर शहर पे कब्जा करना और दूसरा श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करना। लेकिन वो अपने मंसूबे में काबू नहीं हो पाए और हिंदुस्तान की आर्मी, जब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो हिंदुस्तान की आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पे 27 तारीख को उतरी, अक्टूबर को, और उन्होंने पाकिस्तानी लेट कबीलाइयों को खदेड़ना शुरू किया और इस तरीके से पूरे श्रीनगर और एयरफील्ड की सुरक्षा की गई। मामला बिगड़ता देख जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के सामने झुकने के बजाय भारत सरकार से सैन्य मदद मांगना बेहतर समझा।
मगर भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह की मदद करने के लिए एक शर्त रखी और वो शर्त थी कि भारत में विलय होगा। लिहाजा मौके की नजाकत को देखते हुए महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए तैयार हो गए और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा हरि सिंह ने एक बहुत ही कंसिडर्ड लेट डिसीजन लिया था। लेट से मेरा मतलब है उन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लिए थे, परिस्थिति जांच ली थी कि क्या जेएनके के लिए फायदा है और क्या घाटा है। बड़ा सीधा सीधा उन्हें देख रहा था कि कबालिया ही नहीं पूरा पाकिस्तान जेएनके को अपने अंदर विलय करने के लिए एग्रेसिव मोड में था, एग्रेशन कर चुका था, कत्ले आम होने वाला था एज फार एज राजा हरि सिंह इज कंसर्न। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि हालांकि उनकी अपनी चॉइस उन्होंने बहुत लेट एक्सरसाइज करी और वो भी जबकि उन्हें दिख गया कि कबालिया जो हैं वो श्रीनगर एयरपोर्ट तक आ गए थे, एयरफील्ड तक आ गए थे। ये अपने आप में उनको एक डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि उन्हें मालूम था कि कबालिया और पाकिस्तानी कत्ले आम नहीं करेंगे, वो उससे भी और आगे बढ़कर लूटपाट करेंगे, औरतों का रेप करेंगे, बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे। सो उन्होंने अपने देश, उस समय का अपना देश उनका, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो हिंदुस्तान के साथ विलय करें। 26 अक्टूबर की रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिख रेजिमेंट को वायुसेना की मदद से सीधे जंग के मैदान में उतारने का फैसला कर लिया, जिसके बाद भारतीय सेना को श्रीनगर को महफूज रखने और बारामूला को वापस सुरक्षित करने का आदेश दिया गया। उस वक्त कश्मीर में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बेहद कम थी, तो दिल्ली से फौरन एक रेजिमेंट की दो कंपनियां श्रीनगर भेजी जाती हैं, जिन्हें कश्मीर को बचाने का जिम्मा सौंपा जाता है। सत्ताईस अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के दो विमानों के जरिए सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया और बाकी सैनिकों को निजी विमान से वहां पर उतार दिया गया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर दीवान रंजीत राय की कमान में एक बटालियन श्रीनगर भी उतारी गई। दोनों कंपनियों का साथ दे रही थी कुछ छोटी प्लाटून और स्टेट फोर्सेस के जवान, जो कुल मिलाकर 150 के करीब थे और उनके सामने थे हजारों की संख्या में दुश्मन। सबसे पहले सेना की कंपनी ने कुशल रणनीति अपनाते हुए बारामूला में मौजूद उरी के छोटे शहर में झेलम नदी पर बने लोहे के पुल को तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तानी कबाइलियों का मूवमेंट दो दिन तक रुका रहा। बारामूला से कुछ ही किलोमीटर पहले भारतीय सैनिक तैनात थे और सामने से आ रही थी दुश्मन की भारी भरकम फौज और उसका मुकाबला करने के लिए भारत के केवल 100 फौजियों की टुकड़ी ही सामने मौजूद थी। लगातार हो रहे मशीन गन और मोर्टार फायरिंग के बावजूद दुश्मन के हमले भारतीय डिफेंस को भेदने में नाकाम साबित हो रहे थे। हजारों दुश्मनों का सामना कर रही भारतीय सेना का मकसद साफ था, उन्हें किसी भी तरह दुश्मन को तब तक रोकना था जब तक कि अतिरिक्त मदद उन तक न पहुंच जाती। और फिर आखिरकार इन तक मदद पहुंच ही गई, जिसके बाद ये भारी पड़े पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों पर। और फिर जो उन पर हमला हुआ वो दर्ज हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों के इतिहास के सबसे खूनी हमलों। उस रोज अगर भारतीय सेना के चंद जांबाजों की टुकड़ी बारामूला को नहीं बचा पाती तो पहले श्रीनगर और फिर बाकी का कश्मीर पाकिस्तान के हाथ होता। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हजारों सैनिकों की टुकड़ी के सामने भारत के 50 सैनिकों की टुकड़ी यूं इस कदर टिक पाएगी कि अपने इलाके को बचा ले जाएगी। उस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों ने इस तरीके से जंग को लड़ा
कि उन्होंने बारामूला से आगे किसी फौज को बढ़ने ही नहीं दिया। हालांकि वो बारामूला में शहीद हो गए, जिसके बाद मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को पहले अपने परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भी 1947 में इन्फेंट्री डिवीजन से ही मिले थे। 3 नवंबर 1947 यानी कि देश को आजाद हुए मुश्किल से 4 महीने हुए थे। पाकिस्तान ने कबायली लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जा करना। तब मेजर सोमनाथ शर्मा 4th कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे और उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठ के समय श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 1947 खबर मिली कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। ये वक्त ऐसा था कि अगर श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा हो जाता तो यकीनन भारत के लिए श्रीनगर को बचा पाना बेहद मुश्किल होता। कोशिश यही की गई कि पाकिस्तान को आगे न बढ़ने दिया जाए और श्रीनगर को बचा लिया जाए। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा श्रीनगर पहुंच चुके थे। उस समय मेजर शर्मा के दाहिनी हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पर हो तो दुख और दर्द महसूस तक नहीं होता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की इजाजत मांगी और वो मिल भी गई। तीन नवंबर 1947 की अल सुबह मेजर शर्मा और टीम बड़गाम पहुंचे और फौरन ही उनकी कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ली। बड़गाम में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगा लिया था कि हलचल ध्यान भटकाने के लिए है। असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा का गणित बिल्कुल सही था। उस वक्त 700 लश्कर कबायलियों ने 50 जवानों की टुकड़ी पर हमला किया। मेजर शर्मा जिनके साथ 50 जवान थे वो तीनों तरफ से घिर चुके थे और उन पर लगातार मोर्टार से हमले किए जा रहे थे। मेजर शर्मा उस पोस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और जानते थे और वो वहां से हिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां से हिलने का मतलब ये है कि श्रीनगर खो देना। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। जिन सैनिकों की मैगजीन खत्म हो जाती वो उनकी गन लोड करते, उनके लिए मैगजीन लेकर पहुंचते। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट की तरफ भागते रहे। इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। बड़गाम में उनकी कंपनी डिप्लॉयड थी। उस समय जब उनका कंपनी इंडक्ट हुई बड़गाम में, तो उस समय वो हॉकी खेलते हुए उनके हाथ में चोट लगी थी। उनके बटालियन नहीं चाह रही थी कि वो टूटे हाथ के साथ युद्ध में भाग ले, लेकिन उन्होंने इसको वॉलंटियर किया और अपनी डेल्टा कंपनी के साथ बड़गाम में डिप्लॉयड हुए। उस समय उनके साथ 3 कंपनीज डिप्लॉयड थी, लेकिन बाकी 2 कंपनी को विड्रॉ कर लिया गया था। और जब वो अकेले डेल्टा कंपनी का संचालन कर रहे थे, उस समय 700 कबीलाइयों ने उनके ऊपर हमला बोला। वो गुलमर्ग से आए थे और बड़गांव का बैटल अपने आप में एक मिसाल बना। उन्होंने अपने दम पे तमाम तरीके का जो संचालन था, युद्ध का संचालन किया, ट्रूप्स को मोटिवेट किया, LMG चलाई, एमिनिशन डिस्ट्रीब्यूट किया और अंत में वीर गति को प्राप्त किया। उन्होंने उनका जो साहसिक व्यक्तित्व था, जिस तरीके से उन्होंने युद्ध का संचालन किया, काबिले तारीफ था। और ये टूटे हुए हाथ के साथ जिस तरीके से अपने 120 जवानों के साथ उन्होंने युद्ध को अंजाम दिया, इसके तहत उनको परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। और आज भी उनकी गाथा, वीर गाथा को लोग याद करते हैं। और उन्होंने किस तरीके से युद्ध में पार्टिसिपेट किया, लास्ट मैन लास्ट बुलेट की संज्ञा दी, उसके तहत उनकी पराक्रम को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और उनको आज भी याद करते हैं। तो हम आज बड़गाम का इलाका जो हिंदुस्तान और JNK में है, उसका सारा का सारा श्रेय मेजर सोमनाथ शर्मा को जाता है। जंग के दौरान मेजर शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए।
इसके बाद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। शहीद होने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जो आखिरी संदेश भेजा वो ये था, दुश्मन हमसे बस 50 कदम की दूरी पर है, उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, हम पर बुरी तरह हमले हो रहे हैं, लेकिन मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जब तक बदगांव में मदद पहुंचती तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी शहीद हो चुके थे, लेकिन उन वीरों ने करीब 200 कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया। अगर ये कहा जाए कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी मोर्चे पर डटे न रहते तो उस वक्त शायद श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी पर दुश्मनों के पैर पड़ जाते। सोमनाथ शर्मा साहब की, अगर आप साहब तो नहीं कहूंगा मैं सर कहूंगा, सोमनाथ शर्मा सर की जो ब्रेवरी है वो अमेजिंग है। एयरपोर्ट पर जब उनका जहाज अपनी उनकी कंपनी के साथ उतरा था उस समय कबालिया ऑलरेडी उसके बॉर्डर पर आ गए थे, दैट मींस एयरफील्ड के जो बाउंड्री वॉल थी उसके पास, उस समय बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, खुला एक एयरफील्ड होता था, और उन्होंने उतरते ही मोर्चा संभाला जहां से उन्होंने इन सभी, क्योंकि और फ्लाइट आनी थी और ट्रुप्स आने थे, अगर सोमनाथ शर्मा सर उस समय कबालियों को पीछे ना धकेलते, उनको एयरफील्ड के अंदर आने से ना रोकते, तो शायद हमारी बाकी फ्लाइट्स लैंड करने में हमें तकलीफ हो जाती, हमारे को एक तरह से कह सकते हैं डिजास्टर हो सकता था। पैदल सेना ने हर मौके पर दुश्मन की गुस्ताखियों पर बारूदी जवाब दिया है। रेगिस्तान से लेकर ऊंचे रण क्षेत्र तक इन्हीं पैदल सैनिकों की दिलेरी देखकर आज भी दुश्मन इनका सामना करने से कतराते हैं। साल 1947 में पाकिस्तान की साजिशों के परखचे उड़ाने वाली सिख रेजिमेंट की यूनिट आगे जाकर कहलाई 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक ऐसी इन्फेंट्री यूनिट है जिसने राइफल हाथ में लेकर चलने वाले पैदल सैनिक की युद्ध क्षमता को बदल कर रख दिया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने उन्हें रफ्तार के साथ प्रहार करने की अद्भुत क्षमता प्रदान की, साथ ही ताकतवर और सटीक वार करने वाले हथियारों के साथ साथ पैदल सैनिकों को एक मजबूत सुरक्षा कवच का भी साथ मिला। देखिए, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बैट आर्म है। जब हम कॉम्बैट आर्म की बात करते हैं तो उसमें इन्फेंट्री आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री शामिल होता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री देखिए आर्मर के साथ उनके पेस को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम जो युद्ध की एक कला है उसको जारी रखता है। आर्मर तेजी से अगर किसी टारगेट को बर्बाद करता है, उसको ऊपर असॉल्ट करता है, तो उस जमीन को कब्जा करने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उतनी ही तेजी के साथ बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के वहां जाती है और फाइनल मॉपिंग अप करती है, यानी कि दुश्मन का जो अंश रह जाता है उसको खत्म करती है और उस जमीन को कब्जा करती है। इसमें देखिए 3 क्रू होते हैं और 7 स्टिक होती है, और ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं जितनी तेजी से टैंक हमारे बढ़ते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखें तो एक बहुत बड़ा पोटेंट फोर्स है, बहुत बड़ा कॉम्बैट आर्म है। और आज की डेट में जब मैन्यूवर वॉरफेयर की हम बात करते हैं, एट्रिशन की ना बात करके दुश्मन के कमजोर इलाकों को ध्वस्त करने की बात करते हैं, कब्जा करने की बात करते हैं, स्ट्राइक करने की बात करते हैं, तो उसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बहुत अहम रोल प्ले करता है। उन्नीस में भारतीय सेना के जनरल के सुंदरजी ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गठन किया। जनरल के सुंदरजी 1986 से 1988 तक भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। उन्हें भारतीय सेना के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में योगदान के लिए भी जाना जाता है और उस सोच के लिए भी जिसने भारतीय सेना को ट्रेडिशनल वॉरफेयर से फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया। उन्हें इंडियन आर्मी का थिंकिंग जनरल भी कहा जाता है। वर्ल्ड ओवर सबको मालूम था कि इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है और
जब तक आप लड़ाई में स्पीड अटेन नहीं करेंगे, आपको सक्सेस मिलना अपने आप में मुश्किल होगा। जिस स्पीड से आप अटैक करते हैं, जिस स्पीड से आप विड्रॉ करके एनिमी को ट्रैप करते हैं, इस सब के अंदर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का एक अद्भुत रोल है, मैं तो कहूंगा। सबसे बड़ी बात आती है सुंदर जी, सुंदर जी साहब से मैंने खुद पर्सनली मैं उनसे मिला हुआ हूं जब वो चीफ थे, उस समय ऑफकोर्स मैं आर्मी में नहीं था, बट सबसे बढ़िया बात उस आदमी की लगी उसकी बॉडी लैंग्वेज, के वो दिखाती थी कि उनका दिमाग और वो खुद पूरी की पूरी आर्मी से तेज चल रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी को ये दी कि तब तक हमारी जो डिविजन्स थी इंक्लूडिंग आर्मर डिविजन, उनकी स्पीड ऑफ एडवांस होती थी 8 से 10-12 किलोमीटर पर डे। उन्होंने जब एक्सरसाइज ब्रास ट्रैक किया, उसमें उन्होंने ना केवल कर दिखाया बट एक ये फेथ दे दिया आर्मी को, मैकेनाइज कॉलम्स को, कि आप 80 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भी जा सकते हैं। क्योंकि ये 80 किलोमीटर का जो डर होता है, खौफ होता है पाकिस्तान में, वो इसी बात से इस्टेब्लिश हुआ कि इंडियन आर्मी के पास ये कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है सुंदर जी ने गेम चेंजिंग एक्ट्स किए हैं आर्मी के अंदर। 1965 के युद्ध के बाद मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की जरूरत को महसूस किया गया। तब पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में सेना जीत तो गई, पर कई मायनों में सुधार की गुंजाइश महसूस की गई, ताकि पैदल सेना बटालियन को ज्यादा से ज्यादा गतिशीलता प्रदान की जा सके। देखिए 1965 में जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें तमाम ऐसे चीजें हैं, ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, जिसमें हमें लगा कि अगर हम और तेजी से ऑपरेशन मूव करते हैं, और तेजी से अगर इन्फेंट्री अपना बिल्टअप करती है, और तेजी से अगर हमारा लिंकअप होता, तो शायद आज की डेट में लाहौर या इच्छुगुल कैनाल तक हमने उस इलाके को कैप्चर किया था, हाजी पीर दर्रे को हमने कैप्चर कर रखा, और तमाम ऐसे प्लेन इलाके में महसूस किया गया कि अगर टैंक को हमने असॉल्ट रोल में लगाना है, टैंक को अगर दुश्मन के टारगेट के ऊपर चर्न करना है, तो इन्फेंट्री को उतनी ही तेजी के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं 1965 में लैग कर रहे थे, लिहाजा मैकेनाइज इन्फेंट्री का गठन किया गया। मैकेनाइज इन्फेंट्री अब जो है मैचिंग मोबिलिटी के साथ, आर्मर के साथ युद्ध भूमि में ऑपरेट करती है। जितनी तेजी से आर्मर ऑब्जेक्टिव पे अपने फायर पावर द्वारा उसको नेस्तनाबूद करता है, उतनी ही तेजी से मैकेनाइज इन्फेंट्री वहां पहुंच के उस इलाके को कैप्चर करती है और उसका मॉपिंग अप करती है। इसी दौरान दुनिया भर में सेनाओं का आधुनिकीकरण भी तेजी से हो रहा था, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, और फिर भारतीय रेजिमेंट्स की कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ बटालियन को मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन में तब्दील कर दिया गया। तेज रफ्तार से पैदल सैनिकों का आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए पैदल सैनिकों को ताकत देने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गठन किया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री असल मायनों में एक लौह सेना तैयार करती है, जिसके पास बारूद और हथियार से लैस आर्म्ड व्हीकल्स भी होते हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के पास आज मॉडर्न आर्म्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं। सैनिकों को युद्ध तक पहुंचाने और लड़ने में उनका साथ देने के लिए जुगलबंदी भी करते हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का असल काम जंग के मैदान में सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाते हुए आगे बढ़ना है। आसान भाषा में अगर समझें तो लड़ाई के दौरान टैंक फॉर्मेशन के साथ ये मैकेनाइज इन्फेंट्री के व्हीकल मूव करते हैं। जब टैंक के जरिए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इन्हीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में सवार होकर सैनिक दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और उन इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसमें न सिर्फ सैनिकों के प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता है, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसते वक्त ये मशीन गन से फायर भी करता है। अभी तक इन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को
ठीक करके उनको सैनिकों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आने वाले समय में या हम ये कहें कि फ्यूचर प्लानिंग के तहत इनको और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक मशीन गन लगाई जाएंगी और इसी के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जाएंगी, ताकि सैनिकों को और ज्यादा ताकत प्रदान की जा सके। भारत के पास BMP-2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है, जो जमीन के साथ पानी पर भी चलने की काबिलियत रखते हैं। BMP-2 के मौजूदा बेड़े को पहली बार 1985 में सेना में शामिल किया गया था और ये तब से पैदल सेना का मुख्य आधार रहा है। BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी में 7 सैनिक सवार होते हैं, जो टैंक की ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। BMP से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मन को निशाना बनाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां न सिर्फ दुश्मन पर मशीन गन, मिसाइल, मोर्टार से हमला करती हैं, बल्कि इनमें ताकत ये भी होती है कि अगर कहीं ये दुश्मन के एरिया में घुस भी जाएं तो उस पर सटीक हमला भी कर सकती हैं। यानी सैनिक को दोगुनी ताकत देने के लिए ही बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया। भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। BMP का इस्तेमाल भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाता है। आधुनिक वेपन सिस्टम से लैस BMP-2 सारत दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी गाड़ियों में से एक है। BMP-2 में 30 mm की तोप लगी है, साथ ही इसे सेकेंड जनरेशन AGGM से लैस किया गया है, ताकि वो टैंक के हमले का मुकाबला कर सके। इसमें 7.62 mm मीडियम मशीन गन भी लगी है, जिसकी फायरिंग क्षमता 2000 राउंड की है। फायरिंग करने के लिए BMP-2 में फायरिंग पोर्ट बनाया गया है, जिसकी मदद से इसके अंदर बैठे सैनिक दुश्मनों पर बिना खतरा मोल लिए निशाना लगा सकते हैं। इन्फेंट्री करियर व्हीकल्स जो हैं, वो दो वजह से आप लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इन्फेंट्री सेफली एक जगह से दूसरी जगह जाए। जब बख्तरबंद गाड़ी होती है तो उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि स्मॉल आर्म फायर्स जो होता है वो उसके ऊपर इनइफेक्टिव हो जाता है। जो बर्स्ट फायर है, जो आर्टिलरी का भी, जो एयर बर्स्ट फायर वगैरह है, उससे भी आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अंदर जो लूप होल्स होते हैं उसके द्वारा आप फायर कर सकते हैं। एक तरीके से हम कहते हैं कि ना केवल स्पीड मिलती है, एक आपको फायर पावर मिलती है, आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलती है। ये तीनों की तीनों चीजें एक आर्मी को एक स्पीड प्रदान करती है ऑपरेशंस के अंदर। कम वजन होने से बख्तरबंद गाड़ियों को हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। 300 हॉर्स पावर इंजन की ताकत वाला BMP-2 युद्ध के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। यही नहीं, पानी में भी 7 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम है। रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। देखिए, BMP-2 एक बहुत ही वर्सेटाइल ICV है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। इसमें कोएक्सियल गन होती है, 30 mm का कैनन होता है। अगर कैनन 30 mm का अगर क्लोज सपोर्ट पे फायर करेगा तो टारगेट का क्या हाल होगा। कोएक्सियल वेपन LMG माउंटेड होता है, वो छोटे छोटे स्मॉल आर्म्स को बर्बाद करता है, जो फुट सोल्जर है उनको बर्बाद करता है तमाम तरीके के। और साथ में जो फायर पावर है, जिस तरीके का उसमें मिसाइल माउंट होता है, कॉन्कर मिसाइल, वो 4 किलोमीटर तक फायर करता है, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो उसका फायर पावर अपने आप में एक मिसाल है। और साथ में उसकी ऑपरेटिंग रेंज देखिए, वो डेजर्ट में काम कर सकता है, वो बिल्टअप एरिया में जा सकता है, वो एम्फीबियस रोल में जा सकता है, छोटे छोटे कैनाल को पार कर सकता है। तो एक वर्सटाइल वेपन प्लेटफॉर्म है। BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रात में दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए नाइट विजन डिवाइस से लैस है, यानी कि BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को हर वो ताकत सौंपी गई है जो रणभूमि में जीत के लिए गारंटी मानी जाती है।
भारतीय सेना की कोशिश है कि आने वाले समय में अपनी इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी और ज्यादा ताकत दी जाए और इसीलिए बख्तरबंद गाड़ियों को और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है। डीआरडीओ और महिंद्रा दोनों मिलकर इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां तैयार कर रही हैं जो आने वाले युद्धों में न सिर्फ हमारे सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे भी कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले करने में भी सक्षम होंगी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की ताकत को धार देने के लिए अब देश में ही इन्फेंट्री व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कुछ वीडियोस और तस्वीरें शेयर की हैं जिसका ट्रायल चल रहा है। 600 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से लैस देसी बख्तरबंद कॉम्पैक्ट व्हीकल के अंदर हथियारों के साथ कुल 11 लोग बैठ सकते हैं। ये बेहद ऊंचाई वाले इलाकों पर भी ऑपरेशन कर सकता है। इसमें सुरक्षा की नई तकनीक को जोड़ा गया है, साथ ही सड़क से लेकर पानी तक में चलने में सक्षम है स्वदेशी इन्फेंट्री व्हीकल। वैसे मैं आपको बता दूं, महिंद्रा जो डीआरडीओ के साथ गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और ये कॉम्बैट व्हीकल जो है वो हमारी बीएमपीज जो है रशियन, हमारी बीएमपी 1 और बीएमपी 2 का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये बीएमपीज हमारी ना केवल आउटडेटेड हो गई है और अपनी लाइफ को भी वो आउटलिव कर चुकी है। सबसे बड़ी बात जो इसमें आएगी इस कॉम्बैट व्हीकल में कि इसके ऊपर जो फायर पावर अवेलेबल है वो एक एनहांस होगी पहले के मुकाबले। उसका जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो अपने आप में एक फिनोमिनल होगा, जिससे कि अंदर बैठे लोगों को एक फायदा भी मिलता है कि वो सेफली टारगेट तक पहुंच पाते हैं। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो रेडियस ऑफ एक्शन है, ये सब चीजें जब महिंद्रा बना रहा है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, तो वो आज की नहीं अगले 20 साल आगे की फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भी मद्देनजर रखते हुए बना रहा है। पहिए वाला बख्तरबंद वाहन अमेरिकी स्ट्राइकर के जैसा दिखता है। इसमें रिमोट से चलने वाली मशीन गन भी लगाई गई है जिसकी मदद से इन्फेंट्री व्हीकल के अंदर बैठा सैनिक बिना खतरा उठाए दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की RCWS यानी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगा रहेगा, यानी भारी मशीन गन जिसे गाड़ी के अंदर बैठा सैनिक रिमोट से ही चला पाएगा। देसी बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल सड़क पर मैक्सिमम 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मैदानी इलाके में इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। लेकिन जो हमारा स्वदेशी ICV है, जो बख्तरबंद गाड़ियां बन रही, वो वर्सेटाइल है। उसमें तमाम तरीके की सुविधाएं है। पहले तो आर्मर प्रोटेक्शन है, दूसरा मोबिलिटी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, 500 किलोमीटर का ऑपरेटिंग रेंज है, और उसमें जो तमाम तरीके की मिसाइलों को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, उसमें एंटी टैंक मिसाइल है, साथ में को एक्सियल गन है, और साथ में 120mm का स्मूथ बोर है जिससे कि आप टैंक के गोले फायर कर सकते हैं। और ये जो टैंक के गोले हैं वो आर्मर पियर्सिंग है, आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सेबो है, एचिंग वाले राउंड है। तो इस तरीके के जब तमाम तरीके के गोले को उससे फायर किया जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बर्बाद किया जाएगा। और साथ में इसमें जिस तरीके का प्रोटेक्शन है वो आपको बहुत एनहेंस मोबिलिटी प्रदान करता है, और साथ में स्मॉल आर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। साथ में उसमें ड्रोन लॉन्च करने की सुविधा है। अगर आप ऐसे बख्तरबंद गाड़ी में है जहां से आप एक मिलिट्री ऑपरेशन का ड्रोन, आर्म ड्रोन को अगर लॉन्च कर सकते हैं तो एक बड़ी बात होगी। तो इसमें ये सारी सभी सुविधाएं हैं, लिहाजा एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में सारी सुविधाओं से लेस कॉम्बैट एफिशिएंट हमारा ये जो बख्तरबंद गाड़ी डेवलप हो रही है वो कई तरीके के रोल को परफॉर्म करेगी, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में चलेगी। इसमें मौजूद CBRN किट की मदद से 2 किलोमीटर दूर से ही हमले का पता लगाया जा सकता है। इन्फेंट्री व्हीकल के अंदर बैठे सैनिकों की सुरक्षा का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। न्यूक्लियर या फिर केमिकल हमले की स्थिति में इसके अंदर बैठे सैनिकों को रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। इन सब के अलावा इसमें एडवांस लैंड नेविगेशन के साथ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है जिसका ट्रायल चल रहा है। स्वदेशी हथियारों के साथ साथ भारत दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी को भी यहीं पर
बनाने की कोशिश कर रहा है और यही बड़ी वजह है कि भारत अगर किसी से हथियार खरीदता है तो उसमें डील हमेशा ये रहती है कि हथियार नहीं बल्कि उनकी तकनीक को भी साझा किया जाएगा ताकि आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अपने यहाँ उन हथियारों को तैयार कर सके। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पड़ोस में चीन और पाकिस्तान है और उनकी नापाक हरकतों और साजिशों से निपटने के लिए हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। चंद महीनों पहले अमेरिका ने भारत को अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्राइकर एम शेरोड का ऑफर दिया था जो एक खास तरह का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। अमेरिका ने अपने ऑफर में ये कहा था कि भारतीय एक्सपर्ट्स हमारी गाड़ियों की जांच पड़ताल कर लें, ये देख लें कि भारत की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक ये 8 पहियों वाली गाड़ी काम की है या फिर नहीं। अब भारत सरकार अमेरिका के ऑफर और उसके हथियारों पर विचार कर रही है। अमेरिकी सेना के मुताबिक स्ट्राइकर के 8 वेरिएंट्स हैं। दरअसल 90 के दशक में अमेरिकी सेना ने यह तय किया कि एक इस तरह की मोबाइल वैन तैयार की जाए जो पूरी तरह से बख्तरबंद हो, जिसमें हथियार हों, सैनिक सुरक्षित रह सके, हथियार एक जगह से दूसरी जगह जा सके और जो कम समय में बेहद तेजी से सैनिकों तक पहुंच सके और इतनी छोटी हो कि किसी भी कार्गो विमान में इसको आसानी से लाया और ले जाया जा सके। अमेरिका के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में हवाई हमले से सुरक्षा के हथियार लगे हैं, साथ ही कई ऐसे वेपन्स हैं जो दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर, विमान, फाइटर जेट्स या फिर सैनिक टुकड़ी पर भी निशाना लगा सकते हैं। स्ट्राइकर एम शेरोड में FIM-92 स्ट्रिंगर और AGM-114 लॉन्ग बो हेलफायर मिसाइल लगाई गई है जिसकी मदद से टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर तक को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं 30mm की चेन गन की भी ताकत इसमें दी गई है। खतरे का पता लगाने के लिए स्ट्राइकर में MHR यानी कि मल्टी मिशन हेमिस्फेयर रडार लगाया गया है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर का कवच बेहद मजबूत है और इसके पहिए भी बेहद खास हैं। स्ट्राइकर के पहियों पर गोली या शार्पनर का कोई असर नहीं होता। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं, इसमें जो फायर पावर अवेलेबल है 0.50 कैलिबर का जो आपके पास मशीन गन है उसके साथ 7.62mm की जो मशीन गन है वो आपको एक बड़ी अच्छी रैपिड रेट ऑफ फायर अवेलेबल करता है। 300 मील का जो इसका सर्किट ऑफ एक्शन है वो अपने आप में इसको आगे काफी दूर तक ऑपरेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, काबिलियत देता है। और इससे बढ़िया बात यह है कि 60 से 65 की जो इसकी पावर स्पीड है, किलोमीटर पर आर की स्पीड है, उससे ये ना केवल तेज मूव कर पाता है बट इसके ऊपर अटैक करना भी उसी हिसाब से मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इसका जो आर्मर है वो एक RPG-7 ग्रेनेड जो होता है उसको भी विदस्टैंड कर सकता है, इसके ऊपर असर नहीं होगा। और इसके आर्मर की मोटाई के हिसाब से 14.5mm की जो आपकी मशीन गन HMG होती है, हैवी मशीन गन, उसका फायर भी इसको भेद नहीं पाता। स्ट्राइकर एम शेरोड को चलाने के लिए 2 सैनिकों की जरूरत होती है, हालांकि इसमें 9 लोग तक सवार हो सकते हैं। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।